फटाफट ऐप 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में कोरोना के 1,79,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 146 रहा। ओमिक्रॉन केसेस भी देश में 4,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही कोरोना की तीसरी लहर है और यही वजह है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में पाबंदी लगना शुरू हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई। तीसरी लहर का कारण ओमिक्रॉन है, तो वहीं कोरोना के तीसरे वेरिएंट की अब खबर आ रही है। साइप्रस में शोधकर्ताओं ने एक नए वेरिएंट का पता लगाया है जो ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिला जुला रूप है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे डेल्टा क्रोन नाम दिया है। लेकिन कोरोना का ये नया रूप कितना खतरनाक साबित हो सकता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल साइप्रस की यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी और मोलेक्युलर वायरोलॉजी के प्रोफेसर के हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया कि साइप्रस में डेल्टा क्रॉन के फिलहाल 25 मामले दर्ज किए गए हैं। शोधकर्ताओं की टीम के मुताबिक ज्यादातर लोग जो डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों से संक्रमित पाए गए, उनमें डेल्टा क्रॉन पाया गया। जेरूसलम पोस्ट ने अपने एक रिपोर्ट में साइप्रस मेल का हवाला देते हुए बताया कि डेल्टा क्रोन का जेनेटिक बैकग्राउंड डेल्टा वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन इसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी कुछ म्यूटेशंस पाए गए। डेल्टा वेरिएंट के कारण पिछले साल दुनिया के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में एक ऐसा वेरिएंट का पता चलना जो ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिला जुला रूप है, वो लोगों के बीच में डर को और बढ़ा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि डेल्टा क्रोन ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक है या नहीं। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नए वेरिएंट के लक्षण भी वही हैं जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन में देखे गए हैं। हालांकि ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फिलहाल इस तरह के वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO या फिर किसी भी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने फिलहाल आधिकारिक स्वीकृति नहीं दी है। कुछ विशेषज्ञ तो इस वेरिएंट को सिर्फ लैब में हुई चूक मान रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख की चेतावनी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे विश्व भर के 46 देशों में इस वक्त कोरोना की सुनामी आ गई है। रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। हालत ये है कि जिन देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वहां भी अस्पताल मरीजों से खचाखच भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि भारत और अमेरिका में अस्पतालों के ICU पूरी तरीके से भर सकते हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से उन लोगों को कम गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, लेकिन वो लोग जो पहले से ही दूसरी बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए ओमिक्रॉन जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि संक्रमण के बहुत ज्यादा मामले होने की वजह से दुनिया का स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है। रिपोर्ट में वैश्विक डेटा के आधार पर कहा गया है कि दुनिया के 191 देशों में से 46 देशों में 10 लाख लोगों में नए कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, डेल्टा वेरिएंट हो या फिर डेल्टा क्रोन वेरिएंट हो, इन तमाम वेरिएंट से आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आपको सबसे पहले वैक्सीन लगानी है। अगर आप कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं या फिर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपको बूस्ट शॉट लेना है। इसके अलावा आपको फेस मास्क जरूर लगाए रखना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।